हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी लेसन 16 ऑफ 9th क्लास इंग्लिश, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम लेसन 16 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर मीन्स होता है जहाँ मन भय रहित हैं, जहाँ मन भय रहित हैं, ठीक है। ए नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग वर्ड हैव स्पेशल मीनिंग इन द पोएम राइट देम। निम्नलिखित शब्दों का पोएम में विशेष अर्थ है। निम्नलिखित शब्दों का पोएम में विशेष अर्थ है, स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। उन्हें लिखे, राइट देम। हाई, फ्री, वॉल्स, स्ट्रीम, अवेक, हेड, डिजर्ट, ठीक है। हाई मीन्स होता है ऊंचा, फ्री मीन्स होता है मुक्त, वॉल्स मीन्स होता है दीवारें, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, अवैक अवैक मीन्स होता है जागृत, हेड मीन्स होता है शेर, डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, ठीक है। तो आइए हम इनको जान लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। वर्ड्स, वर्ड मीन्स होता है शब्द। स्पेशल मीनिंग इन द पोएम, पोएम में विशेष अर्थ, स्पेशल मीनिंग, ठीक है। हाई, हाई मीन्स होता है उच्च। विदाउट एनी सेंस ऑफ शेम, बिना किसी शर्म की भावना के, बिना किसी शर्म की भावना के। फ्री, फ्री मीन्स होता है मुक्त। विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन्स, एटीसी। बिना जाति, कास्ट मीन्स होता है जाति, ठीक है। बिना जाति, पंथ, धर्म आदि के बंधनों के, ठीक है। वॉल्स, वॉल्स मीन्स होता है दीवारें। पैटी कॉन्सेंट्रेशंस विच डिवाइड द नेशन, क्षुद्र विचार जो राष्ट्र को विभाजित करते हैं, क्षुद्र विचार जो राष्ट्र को विभाजित करते हैं, ठीक है। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लो, फ्लो मीन्स होता है प्रवाह, ठीक है। अवेक, अवेक मीन्स होता है जागृत, ठीक है। विजिलेंट विदाउट एनी लेथर्गी, बिना किसी सुस्त के सतर्क, ठीक है। हेड, हेड मीन्स होता है सिर। हॉनर एंड पोजिशन, सम्मान और पद, सम्मान और पद। डिजर्ट विच इज इम्यून टू एनी प्रोग्रेस, रेगिस्तान जो किसी भी प्रगति के लिए प्रतिरक्षित है, रेगिस्तान जो किसी भी प्रगति के लिए प्रतिरक्षित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम बी, ठीक है। हमें यहाँ पर कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट में दिया गया है फेयर, फेयर को हम, फेयर मीन्स होता है भय, ठीक है। तो भय को हम डी नंबर से मैच कर देते हैं, ठीक है। फीलिंग विच वन हैज व्हेन इन डेंजर, महसूस कर रहा है किसी किसी को खतरे में क्या है, किसी को खतरे में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, तो ज्ञान को हम ई नंबर से मैच करते हैं, ठीक है। थिंग्स नाउ, ज्ञात चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं है थे मीन्स होता है आप, आपको हम ए नंबर से मैच कर देते हैं, ठीक है। आप यू से, ठीक है, यू मीन्स होता है तुम या फिर आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान को बी नंबर से मैच कर देते हैं, ठीक है। लार्ज सैंडी पीस ऑफ लैंड हियर नथिंग ग्रो बिकॉज देयर इज नो रेन, देश है जहाँ कुछ भी नहीं बढ़ता,
देश है जहाँ कुछ भी नहीं बढ़ता, कोई बारिश न होने के कारण ये विशाल रेतीले टुकड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विदाउट, विदाउट मीन होता है बिना, तो इसको हम सी नंबर से मैच कर देते हैं। नट हैविंग अखरोट, नट हैविंग मीन्स होता है अखरोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फर्स्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। पोएम की फोर लाइन्स को हमें पढ़कर क्वेश्चन आंसर बताने हैं। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द, जहाँ मन भय रहित हो और, जहाँ मन भय रहित हो और हेड इज हेल्ड हाई, सिर ऊंचा रखा जाता है। हेड इज हेड हाई, सिर ऊंचा रखा जाता है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंटली बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ संसार को संकीर्ण दानीय दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है। ठीक है, जहाँ संसार को संकीर्ण दानीय दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई, सिर ऊंचा रखा है से पोएट का क्या तात्पर्य है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई, सिर ऊंचा रखा है से पोएट का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर देख लेते हैं। द हेड इज हेल्ड हाई मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया शुड नेदर बी अफ्रेड नॉर सम ऑफ एनीथिंग। सिर ऊंचा रखा है का अर्थ है कि भारत के लोगों को न तो डरना चाहिए और न ही किसी चीज़ से शर्माती है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री, स्पष्ट कीजिए कि जहाँ ज्ञान मुक्त है से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर देखते हैं। बाय वेयर इज नॉलेज इज फ्री द पोएट मीन्स दैट एजुकेशन शुड बी ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया। जहाँ ज्ञान मुक्त है से कवि का अर्थ है कि भारत में शिक्षा निःशुल्क और सभी प्रतिबंधों से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, बाय वेयर नॉलेज इज फ्री द पोएट मीन्स दैट एजुकेशन शुड बी ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शन इन इंडिया। जहाँ ज्ञान मुक्त है से पोएट का अर्थ है कि भारत में शिक्षा निःशुल्क और सभी प्रतिबंधों से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकरी घरेलू दीवारें क्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर द कंसेंट्रेशंस ऑफ कास्ट रिलीजन्स एंड प्रोविंसेस, दे डिवाइड द नेशन इंटू फ्रेगमेंट्स। संकीर्ण घरेलू दीवारें जाति धर्म और प्रांतवाद के विचार है। वे देश को टुकड़ों में बांटते हैं दे डिवाइड द नेशन इंटू फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीड द नेक्स्ट फोर लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें नेक्स्ट फोर लाइन रीड करके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। ठीक है, वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रथ, जहाँ सच की गहराई से शब्द निकलते हैं। वेयर टाइलेस स्ट्रिंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को
पूर्णता की ओर फैलाता है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा है, ठीक है, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द क्लियरली डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मृत आदत की सुनसान रेगिस्तान के रेत में अपना रास्ता नहीं खोया है, ठीक है, मृत आदत की सुनसान रेगिस्तान की रेत में अपना रास्ता नहीं खोया है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द लाइन एक्सप्रेसिंग एंडलेस एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी, सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अंतहीन प्रयास किए जाते हैं, व्यक्त करने वाली पंक्ति का पता लगाइए, ठीक है, व्यक्त करने वाली लाइन का पता लगाइए। आइए हम इसका आंसर देखते हैं, वेयर टाइलर्स स्ट्रिंग स्ट्रेच्स इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्ट, जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को परिपूर्णता की ओर फैलाता है, ठीक है, जहाँ अथक प्रयास अपनी भुजाओं को परिपूर्णता की ओर फैलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्पष्ट तर्क धारा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्पष्ट तर्क धारा से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड सेंस, विचार की स्पष्ट धारा का अर्थ है बुद्धि का मुक्त प्रवाह, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेड हैबिट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मृत आदत क्या है, व्हाट इज द डेड हैबिट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मृत आदत क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं, कॉन्वेंशन कस्टम्स विच आर इम्यून टू प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ, परंपरागत रीति रिवाज जो प्रगति या विकास के प्रति प्रतिरक्षित है, परंपरागत रीति रिवाज जो प्रगति या विकास के प्रति प्रतिरक्षित हैं, ठीक है।